एवरीवन, आपका स्वागत है चैनल राजकर के आज के नए ब्लॉग में। आज है धुलंडी, मीन्स होली का अगला दिन। लोकल लैंग्वेज में बोले तो राम राम है आज। और आज से ही स्टार्ट होती है गणगौर की पूजा। राजस्थान में गणगौर एक ऐसा फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें गणगौर को एज ए गॉडेस पूजा जाता है, जिनकी पूजा चलती है लगभग 16 दिन तक। और 16वें दिन गणगौर मनाई जाती है, मतलब गणगौर की सवारी निकाली जाती है। लोगों को पता है जैसे कि गणगौर का मेला बहुत ही फेमस है, वो होता है 16वें दिन, तो उनकी पूजा आज से स्टार्ट हो रही है। तो आज से ही स्टार्ट करने के लिए पहले से हम लेके आ गए होलिका दहन की जो भी राख होती है, वो सुबह ही लेके आ गए थे। तो आज से पूजा उनकी स्टार्ट हो जाएगी। जागे है जाके बना एकी देव भाषा सूर्य देख तेरे का ही काम में तैयार पे लिया। 8 बज गई रंगोर पूसी का की तेरे फूट के किसकी लगी है। हाँ अन्नू क्या आप रहे अक्की मतलब जगह बन की सो बन वन की पाचो ओके है ये जगह हो क्या तो अक्की है ऊपर ही पड़ जाए अगला है सोएगो के नींद आएगी क्या तब बोल वासा उठ जाओ तसली आयो आयो ओहो लाडा रे जदे। आज है गणगौर का फर्स्ट दिन और हमने गणगौर पूजना भी स्टार्ट कर दिया है। आज मम्मी जी बना रहे हैं पूड़ी और इधर खीर और सब्जी बना के रखती है। चूरमे को पीस कर घी चीनी मिलाकर चूरमा हो गया रेडी एकदम। तो सोचो इसमें ट्रांसफर कर देती हूँ, थोड़ा बड़ा बर्तन हो रहा है इसलिए। शाम के करीबन बज रहे 5 और हमारी अभी तक सुबह से लेके अभी तक होली मतलब धुलंडी पे कलर लगाते ना तो एकदम सूखी रही है। एक मतलब कलर का एक पिंच भी भर के किसी ने नहीं लगाया तो एकदम सूखी होली रही है अभी तक तो हमारी। मतलब एक शगुन का रंग भी नहीं लगाया फिलहाल तो। अभी शाम को आए बाईसा जवाईसा और उनकी बना और बाईसा बाईसा अगर आ गए आज पूरी मान कह तो थे फर्स्ट होली है तो अगली दादा साहब पहले लगाएगा बाईस आए थे तो वो तो आके गए और फर्स्ट मतलब आज के दिन फर्स्ट टाइम उन्होंने ही हमें रंग लगाया और वो तो अभी जा चुके हैं। मैंने चेहरा वगैरह तो धो लिया तो अब पता नहीं चलेगा इतना। आज है गणगौर का सेकंड डे। गणगौर 16 दिन की होती है, उसमें से अभी है सेकंड डे आज का। तो अभी मैं सुबह सुबह गणगौर में पूजने वाले पहले बनाऊंगी टिफिन वगैरह, क्योंकि अगर उसमें लेट होगी तो ड्यूटी में लेट हो सकता है। तो पहले टिफिन वगैरह रेडी करके फिर पूजेंगे आज के गणगौर। अभी मैं कर रही हूँ टिफिन के लिए सब्जी की तैयारी और मैं अभी बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। और भिंडी की सब्ज़ी काटने में मुझे बड़ा ज़ोर आता है क्योंकि छोटी छोटी भिंडियाँ उसको काटने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। सुबह सुबह तो टिफिन की जल्दी रहती है तो भिंडी सब्ज़ी बनाना मुझे वैसे भी ऐसा लगता है कोई फ्री टाइम में बैठे सब भिंडी काट ले। सुबह सुबह टाइम वैसे भी कम रहता है, फिर भिंडी में और ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन टिफ़िन के लिए तैयार तो करनी थी सब्ज़ी। तो अभी टिफ़िन वगैरह बना के फिर मैं जाऊंगी गणगौर पूजने। और गणगौर पूजने का शायद मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँ क्योंकि मैं ज़्यादातर ऐसा होता है मैं फ़ोन घर पे ही अंदर ही भूल जाती हूँ और बाद में याद आता है अरे रिकॉर्ड नहीं किया। कोई नहीं, चलो अभी सब्ज़ी तो बना ही लेते हैं। आज दिन में मुनबाईसा गए थी मेरी मासी सास मतलब माईसा के घर। तो अभी शाम के बज रहे 6 या 7 के आसपास टाइम हो रहा है, बीच में 6 से ऊपर ही हो रहा है टाइम। तो अभी वो घर आने वाले हैं, उनके साथ आने वाले हमारे घर में एक और मेंबर मतलब मेरे एक और ननद बाईसा मेरे मासी सास की बेटी, मतलब उनका
मतलब अपने बचपन से हमारे ससुराल में ज़्यादा रहना हुआ है, तो मेरे ससुराल में सॉरी बचपन से वो मेरे ससुराल में ज़्यादा रहे, तो उनसे हमारा अटैचमेंट थोड़ा ज़्यादा है। तो ऐसा रहता है कि गर्मियों की छुट्टियाँ, कभी भी छुट्टियाँ होती है उनका आना जाना रहता है। तो अभी उनकी छुट्टियाँ शुरू हो चुकी है, एग्ज़ाम्स वगैरह ख़त्म हो चुके हैं, तो अभी वो आने वाले थोड़ी देर में, देखें कब तक आते हैं, टाइमिंग वगैरह तो अभी फिक्स पता नहीं है, बट अभी शाम हो चुकी है तो अभी आने वाले होंगे। जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मुझे नहीं लगता कि रोड भी मुझसे कंप्लीट हो पाएगी, और वैसा ही हुआ, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। मैं आपको दिखाई देती हूँ, इतना मतलब लास्ट का रह गया था मेरा, और ये अभी भी बाकी है। कल मैं और मम्मी जी कब से वेट कर रहे थे मोनू भाई साहब और पलक भाई साहब आने का, बट वो आ नहीं पाए थे, उस टाइम आना नहीं हो पाया किसी रीज़न की वजह से। तो अभी सुबह हो गई है और अभी मोनू भाई साहब पलक भाई साहब आ गए, तो चलते हैं उनके पास। पलक भाई साहब और मोनू भाई साहब आ गए, और पलक भाई साहब अक्की के लिए लेके आए हैं एक तो ये बॉल, बहुत ही सुंदर है, एक और थी ना गाड़ी दिखा, एक ही गाड़ी और खुला भी आ तो और एक ही सीनरी बनाई है इन्होंने, बहुत ही सुंदर है। और हमारे पलक भाई साहब बहुत ही क्रिएटिव है, तो इन्होंने बनाई है अक्की की एक फोटो भी, और ये अक्की की फोटो इन्होंने स्केच बनाया है अक्की का, और एक ही फोटो लेके आया। अक्की होगी ना नींद पूरी, देख पलक भाई साहब देखियो तू या भूल गयो पाचो, देखो देखो इतनी दूर आ रही है मेरे पलक भाई साहब है, हाँ? देख बॉल लेके आया पलक भाषा तेरते बॉल बटिन, देख पलक भाषा कर, ओह हाँ अब पसंद आएगी वही गाड़ी। मैंने ड्रेस कर लिए चेंज, क्योंकि हम जा रहे हैं अभी मार्केट, और मार्केट से हम किसके लिए क्या लेने वाले हैं ये तो अभी थोड़ा सा वो तो आपको आगे व्लॉग में पता चल ही जाएगा कि हम क्या शॉपिंग करके आ रहे हैं आज और किसके लिए शॉपिंग हो रही है। मैं और मोनू भाई साहब दोनों रेडी हो गए, ऑटो कर लिया है कैब, तो ऑटो भी अभी आने वाला है, तो अभी निकलते हैं मार्केट के लिए। अक्की से जा रहे हैं वो सा अभी मैं और मोनू भाई साहब दोनों निकल चुके हैं मार्केट के लिए, और मार्केट जाते टाइम हमारे रास्ते में आता है एक सब्जी का मेला लगता है, जहाँ ज़्यादातर सब्जियाँ रहती है और चीज़ें भी रहती है, बट सब्जियाँ रहती है तो वो रात के 9-10 बजे तक लगता है, तो अभी से लगना स्टार्ट हो गया, पूरी तैयारियाँ मतलब लोग आके अपने ठेले वगैरह लगाने लग गए हैं। यहाँ क्या है मार्केट से थोड़ी कम रेट में सब्जियाँ वगैरह हमें मिल जाती है, तो अक्सर हम यहीं से लाते हैं। तो इसके बाद में हम निकल चुके हैं हम मार्केट के लिए, वो हमारा मेला रह गया पीछे, और इसमें रास्ते में मुझे बहुत सी चीज़ें में दिखी छोटी छोटी जो मैंने कैप्चर की आपके साथ शेयर करने के लिए। और अब हम मार्केट में पहुंच चुके हैं, और सबसे पहले हम जा रहे हैं शिव ज्वेलर्स पे, क्योंकि हमें कुछ ख़रीदना था शिव ज्वेलर्स से। अभी हम पहुंच चुके हैं शिव ज्वेलर्स पे, गणगौर का त्यौहार भी आने वाला है, तो मार्केट में छोटे छोटे गणगौर और ईसर बनाए हुए थे जो बहुत अच्छे लगे मुझे, तो मैंने उन्हें भी कैप्चर किया मेरी फ़ोन में। मैं ख़रीदनी थी चूड़ियाँ, तो उसके बाद हम पहुँचे बैंगल शॉप पे, तो सबसे पहले तो मैंने खुद को सेट किया, और इसके बाद ये कुछ चूड़ियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ जो हमने सेलेक्ट की मैंने और मोनू भाईसा ने, जो हमें पसंद आई।
अभी शाम के करीबन बज चुके हैं 6 और अभी तक हमारी शॉपिंग पूरी हुई नहीं है और घर पे अक्की अकेला है तो बहुत ही जल्दी हमें जाना पड़ेगा। किल्लत को ध्यान में रखते हुए हम निकल चुके हैं हम घर के लिए और रास्ते में ट्रैफिक भी काफ़ी था क्योंकि शाम हो चुकी थी और इस टाइम जैसे सबको पता ऑफिस टाइम रहता है सब ऑफिस से आते हैं काम से घर पे आते हैं तो काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है। उसकी वजह से 5-10 मिनट मतलब एक्स्ट्रा मान के चलिए कि अगर हमें जाना है वो जो टाइमिंग रहता है नॉर्मली कि इतने टाइम में हम घर पहुंच सकते हैं उससे 10-15 मिनट 5-10 मिनट ऊपर चलता ही है। और ये झूमर मुझे काफ़ी पसंद है, कभी हमारा खुद का घर होगा यहाँ तो ज़रूर ऐसा मैं झूमर लगाऊंगी। और अब आप देख सकते हैं आगे ट्रैफिक की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी और यहाँ सब्जियाँ जो आप देख रहे हैं ना मार्केट से लग रहा है पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले एक टेंट के अंदर से ये सारी सब्जियाँ लगती थी। अभी शाम के बज चुके हैं करीबन 6:30 और हम काफ़ी लेट हो गए, पता नहीं अभी रहरा भी होगा या नहीं। अभी चलते हैं घर, अंधेरा भी काफ़ी हो गया, इतना कुछ सामान भी हमने नहीं खरीदा लेकिन टाइम लग ही जाता मार्केट में, तो अभी जाके देखते हैं। वैसे कभी नहीं रोएगा, दादी साहब के पास रह लेता है। अक्की ले इधर देख, ले ले तो देख कुल्फी कैसी, कुल्फी खाना लो खा लो, काई बनी मैंने खा लिया। मार्केट जाके अभी हम आ चुके हैं घर और सबसे पहले हम गए थे शिव ज्वेलर्स पे। नाम काफी सुना है शिव ज्वेलर्स का, उनका एडवर्टाइजमेंट भी काफी रहता है, बट हम वहाँ गए तो हमें मतलब इतनी वैरायटीज़ बच्चों के प्रोडक्ट्स में नहीं, प्रोडक्ट्स नहीं कह सकते, बच्चों की जो ज्वेलरीज होती है उनमें इतनी वैरायटी हमें नहीं मिली। हो सकता है लेडीज़ के लिए बहुत सारी वैरायटीज़ होंगी बट बच्चों वाले में नहीं थी, तो हमें फिर हमने 2-3 ज्वेलरी शॉप्स पे और गए बट वहाँ भी नहीं मिला। लास्ट में हम गए थे JMJ पे और वहाँ जाके हमें 2-3 लॉकेट पसंद आए, फिर उनमें से हमने एक सेलेक्ट किया और वो हमने किया अक्की के लिए। तो मैंने पहले ब्लॉग में बताया नहीं था तो मैं बता दे दूँ, हम लेने गए थे अक्की के लिए क्योंकि अक्की का फर्स्ट बर्थडे आने वाला है, तो मैंने सोचा उसे गिफ्ट में कुछ ज्वेलरी जैसा कुछ दे देते हैं, मतलब गोल्ड दे देते हैं, तो मतलब गिफ्ट्स वगैरह वैसे भी हो जाते हैं, बच्चे तोड़ फोड़ के खिलौने वगैरह कर देते हैं, तो मैंने सोचा चलो कुछ ज्वेलरी गोल्ड में कुछ दे देते हैं, तो उसके लिए लाने गए थे। बट मुझे जो चाहिए था, मैं मुझे चाहिए थी कुछ यूनिक चीज़, वैसा कुछ मिला नहीं मुझे, बट जैसा भी मिला क्योंकि बॉयज़ के लिए इतनी मतलब चॉइसेस नहीं होती है, गर्ल्स के लिए बहुत सारी चॉइसेस होती है जिनमें सब कर ही सकते हैं बट बॉयज़ के लिए नहीं होती है, तो मुझे जैसा भी मिला वैसा मैं एक बार के लिए लेके आ गई कि चलो ठीक है अब की बात इससे काम चला लेंगे। तो अभी मेरा ये ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।